ओके तो गाइस, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको प्ले स्टोर में बैकग्राउंड इरेज करके एक ऐप मिल जाएगा। उससे आप इजीली फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर इरेज कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको आपकी फ़ोटो सिलेक्ट करनी है और उसको धीरे धीरे प्रॉपरली बैकग्राउंड उसका इरेज करना है। उस एप्लीकेशन में आपको ऑटो, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर, जूम इन, जूम आउट, इन सब का ऑप्शन मिल जाता है। उससे आप धीरे धीरे आराम से अपना बैकग्राउंड इरेज कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे बोरिंग पार्ट रहता है बैकग्राउंड इरेज करने का, लेकिन यही सबसे मेन पार्ट रहता है जिससे अपने फ़ोटो को लुक आता है। धीरे धीरे प्रॉपरली कर लीजिए। जैसे आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं आपको कुछ ऐसा प्रॉपर इरेज हुआ मिलेगा। देन कुछ थोड़े से एजेस जो रहते हैं वो ठीक से इरेज नहीं होते, इसलिए स्मूथ एज करके ऑप्शन रहता है, उसमें से आप एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। देन पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कीजिए एंड उसमें रेड कलर का बैकग्राउंड लीजिए, जिससे कि आपने फ़ोटो को स्टूडियो वाला लुक आएगा। जैसे आप रेड बैकग्राउंड रहते हैं तो उसमें ऐड फ़ोटो कीजिए और जिसका आपने बैकग्राउंड इरेज किया उस फ़ोटो को इंसर्ट कीजिए। जिसे आप इंसर्ट कर लेते हैं उसको प्रॉपरली सेंटर में एडजस्ट कीजिए, ना कि लेफ्ट या राइट, प्रॉपर सेंटर में एडजस्ट कीजिए। देन उसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद उसको अपने लाइटरूम सीसी, जो मोबाइल का एप्लीकेशन, उसमें ओपन कर लीजिए। उसके बाद अपन लाइट्स पे थोड़ा वर्क करेंगे। उसमें एक्सपोजर को हम -24 रखते हैं। देन कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाते हैं, उसको रखते हैं 25 या 23 इसके बीच में। देन हाइलाइट्स थोड़ी बढ़ाएंगे, उसको 20 रखेंगे। देन शेडो हम लोग कम करेंगे, माइनस में करेंगे, -20 रखेंगे शेडो। देन हाइलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 11 रखेंगे। देन उसके बाद ब्लैक को हम लोग कम करेंगे, माइनस करेंगे, -18 रख देंगे। देन वाइट बैलेंस को कुछ नहीं करना है, सीधा कलर मिक्स में जो रेड कलर का ऑप्शन है उसकी हुई को पिंक करेंगे, -81, जिससे कि स्टूडियो वाला लुक आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत स्टूडियो वाला लुक आ रहा है। देन उसके बाद सैचुरेशन को हम लोग -24 या फिर ऐसे कुछ रखेंगे। देन ल्यूमिनस को 44 रख देंगे। देन जो येलो कलर है, जो कि अपने फेस के लिए है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, खाली उसका हुई 2 रखेंगे। देन डिटेल करेंगे, डिटेल में नॉइस रिडक्शन करेंगे, जिससे कि अपनी जो इमेज है वो स्मूथ होगी और जो फेस है उस पर अगर पिंपल्स वगैरह होंगे तो वो स्मूथ हो जाएंगे। देन क्लैरिटी को हम लोग बढ़ाएंगे और उसको 28 रख देंगे। देन डिहेज को हम लोग कम करेंगे और -2 रखेंगे। देन विग्निटी उसको -24 रख देंगे। जैसे आप ये पूरा करते हो आपको एक स्टूडियो में क्लिक किया हुआ पिक नज़र आएगा, जो कि हम लोग ने घर पे क्लिक किया है, लेकिन